दोस्तों मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाया था कुछ दिन पहले, सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 जब लॉन्च हुआ था, तब उसके अंदर आपको यहाँ पर मैंने दिया था 500 रुपीज़ का अमेजोन की तरफ से डायरेक्ट टू मतलब आपके घर के ऊपर एक गिफ्ट बाउचर। जल्दी उसका यहाँ पर रिजल्ट में निकालने वाला हूँ। ज्यादा लाइक्स तो नहीं हुए, 500 लाइक्स का जो है टारगेट यहाँ पर रखा था, लेकिन वो जो है कम्प्लीट नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो अगर कुछ और यहाँ पर बढ़ जाते हैं तो उसका जल्दी जो मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर रिजल्ट यहाँ पर देने वाला हूँ बिल्कुल लाइव। फेसबुक पेज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, और यहाँ पर भी जो है लाइन मतलब लिखा हुआ है नीचे, तो वहाँ पर जाकर आप फेसबुक पेज को लाइक कर दें या फिर ट्विटर के ऊपर, देखते हैं बाद में क्या करते हैं, वो सब हम मिलकर जो है यहाँ पर कर लेंगे। दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले काफ़ी सारे ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म न्यूज़ अपडेट के बारे में। दोस्तों मेरा नाम है राकेश और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी सबसे पहले अपडेट निकल के आ रही है Huawei Mate 20 Lite की तरफ से। काफ़ी लोग जो इसका वेट कर रहे होंगे। 4 कैमरा सेटअप, ड्यूल जो है फ्रंट में और ड्यूल जो है रियर में, 3750 mAh की बैटरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है ये फिर 2018 के अंदर जस्ट ही मतलब लॉन्च कर दिया गया है इसको। आप देखते हैं कब तक ये अवेलेबल होता है। स्पेशल वीडियो जो है कल सुबह तक मतलब आपको मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया सा एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर बना के देने वाला हूँ Huawei Mate 20 Lite के ऊपर। लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। US जूरी जो है फाइन कर चुकी है Huawei के ऊपर ही $10.5 million का 4G LTE का जो पेटेंट है, कुछ Huawei ने यहाँ पर मतलब इधर उधर किया, किसी का ले लिया होगा उसके ऊपर। अभी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर निकल के नहीं आई, लेकिन जैसे निकल के आती हैं तो फिर से यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी तो इतने सारे पैसे का जो है टोलर्स का फाइन लग चुका Huawei के ऊपर। Redmi का जो Note 6 है प्रो वाला वर्जन वो निकल के तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ स्नैपड्रैगन 660 का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है स्पेशली इंडिया के लिए। बाहर का अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन देखते हैं मतलब स्नैपड्रैगन 845 का क्यों नहीं दिया, देखते हैं आपका मतलब क्या ख्याल है इसके बारे में, नीचे कमेंट जरूर करें और बताएं। OnePlus ने जो है अनाउंस किया है यहाँ पर 2 और स्टोर जो कि पेरिस और फ्रांस के अंदर यहाँ पर लगाए जाएंगे। OnePlus जो है चाहता है कि यहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे स्मार्टफोन सेल हों। अगर मल्टी नेशनल मार्केट के अंदर OnePlus के स्मार्टफोन जो है अगर सेल होने लगे, ठीक से लोगों को पसंद आने लगे, तो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है कुछ प्राइस यहाँ पर कट कर दी जाएगी। बात इम्पोर्टेंट तो ये है। वीडियो निकल के आया है कि Lenovo का जो कि टीज़ कर रहा है कि स्मार्टफोन जो कि जैसे Oppo Find X उसी प्रकार का पीछे की तरफ स्लाइड अप कैमरा यहाँ पर दिया गया है, और फेस अनलॉक के अंदर वैसे ही जो है सेम टू सेम पेटेंट यहाँ पर यूज़ किया है। शायद ये कुछ कुछ कॉपी यहाँ पर लग रहा है Oppo Find X की। जैसे ही आप फेस अनलॉक के लिए मतलब खोलते हैं या फिर पावर की प्रेस करते हैं, फटाक से ऊपर जो है कैमरा यहाँ पर निकल गया था और फिर से अंदर चला जाता है फेस अनलॉक करने के बाद। इस प्रकार का सेम टू सेम जो है पैटर्न दिखाया गया, पूरा का पूरा जो है पीछे की तरफ सेंसर वगैरह सब उसी में लगे हुए हैं। पूरे व्यू डिस्प्ले के साथ जो है फोन निकल के आ सकता है। Lenovo का फोन का नाम अभी तक नहीं कन्फर्म हुआ कि क्या हो सकता है, फिर भी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा आपके हिसाब से अपकमिंग Lenovo का कौन सा फ़ोन है जिसके अंदर ये स्लाइड अप कैमरा यहाँ पर दे दिया गया है। Xiaomi का 10 वाट का एक यूनिवर्सल फास्ट चार्ज जो है वायरलेस चार्ज लॉन्च कर दिया गया है सिर्फ $11 में, लगभग 7,000 रुपये आप इसे ले सकते हैं Xiaomi की तरफ से। वैसे कुछ मजेदार चीज तो होती नहीं है, Xiaomi की जो एक्सेसरीज वगैरह निकल के आती हैं काफी ज्यादा उनमें मजा नहीं होता है, फिर भी जो है निकाल दिया है, किसी को जरूरत है तो आप ले सकते हैं। Huawei ने रिलीज कर दिया है 5G का बेस बैंड, स्पीड रहेगी 1.4 Gbps। Cat21 का जो है यहाँ पर सेक्टर यूज लिया गया है, काफ़ी बढ़िया है। वैसे Huawei जो है CPU की दुनिया का बेचसाज जो है बादशाह यहाँ पर आज बन चुका है, मतलब क्रीन 980 CPU निकालने के बाद जो है काफ़ी कमाल हो गया Huawei का, तो मतलब चांदी ही चांदी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। स्पेशल वीडियो जो है या तो रात तक या फिर कल कभी भी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ Huawei Kirin 980 के ऊपर। स्पेशल वीडियो यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या क्या इसमें दिया जाएगा, कितना मतलब क्या है, जो भी है सब कुछ उस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को। एप्पल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स थी वो काफ़ी दिन से ठीक ठाक यहाँ पर चल रही थी, लेकिन अब जो है एक और क्रैश जो है हो गया है एप्पल की कार का। पहले टेस्ला का हुआ था, उबेर का हुआ, अब एप्पल ने भी जो है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट माइंड वाली जो कार थी जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार बोलते हैं, उसका पहला क्रैश जो है एप्पल ने भी देख लिया है। अब देखते हैं एप्पल इसको किस प्रकार से जो है फिक्स करता है, या फिर फ्यूचर में ऐसे क्रैश होंगे नहीं होंगे, क्या मतलब रिपोर्ट निकाल कर देता है एप्पल। फिर भी जो है क्रैश तो हुआ ना, एप्पल भी मतलब कुछ भी कर सकता है, बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ ना कुछ और जो है आइडिया यहाँ पर लगाने वाला है, देखते हैं क्या करता है। गूगल ने जो है जस्ट मतलब अनाउंस किया है कि इस साल को इसी प्रकार की जो है पिक्सल वॉच यहाँ पर लॉन्च नहीं करने वाला। इस साल 2019 में निकल के आएंगी, काफ़ी कमाल की निकल के आएंगी, लेकिन इस साल तो कुछ नहीं करने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है गूगल वॉच
एप्पल ने तो अपनी कर दी है वाचपोर सीरीज, यूई ने भी जो है यहाँ पर खुलासा किया बूम 3 और मेगा बूम 3 स्पीकर्स का, जो कि काफ़ी बढ़िया स्पीकर डिज़ाइन के साथ निकल के आए हैं। और इसमें एक मैजिक बटन है, एप्पल प्ले वगैरह भी जो सपोर्ट करते हैं, अलग अलग मतलब जितने प्ले चल रहे हैं वो सभी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी कुछ है इनके अंदर भी, लेकिन इतने ज़्यादा मज़ेदार भी नहीं है, बूम 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 बस नहीं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर Huawei का Kirin 980 जो है, जैसा कि हमने बात की, इसमें 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया के अंदर मतलब एक अपनी थाक अलग से यहाँ पर जमा ली है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, इसका वीडियो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, देखते हैं। एप्पल आईफोन 8 का जो लॉजिक बोर्ड रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर भी शुरू कर दिया गया है, जो जो स्मार्टफोन या फिर आईफोन जो हैं एप्पल के लाइकबल होंगे उन सबको जो है बिल्कुल मुफ्त यहाँ पर रिपेयर किया जाएगा, या फिर कुछ हल्का फुल्का खर्चा देकर आप रिपेयर करा सकते हैं, जो भी है इस प्रोग्राम के तहत। स्पेशल अगर इसकी जानकारी आपको चाहिए तो apple.com की साइट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं आपका डिवाइस एलाइजिबल है या फिर नहीं है, वहाँ पर आप डिवाइस का नेम लगा सकते हैं और अपना एरिया लगा सकते हैं, उसके बाद आपको बता देगा कि आपका होगा कि नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है विंडो 10 का लेटेस्ट अपडेट, आई है 2018 में, जल्दी जो है आप सबको मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कमाल की अपडेट। विंडो का जो है लुक चेंज करने वाला है माइक्रोसॉफ्ट, 700 मिलियन डिवाइसेज का यहाँ पर जो है कच्चा चिट्ठा निकाल कर दिया है, इतनी डिवाइसेज लगातार विंडोज 10 का यूज़ कर रहे हैं या फिर रन हो रही है विंडो 10 के ऊपर हाल ही में, इस वक्त भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। कर दीजिए लाइक जल्दी वीडियो को। पोको F1 जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं, कहीं पर जो है नेटफ्लिक्स के वीडियो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर एमेजोन के नहीं कर रहे हैं, नई बीमारी और निकल के आएगी अल्फाट जो 9 गेम है वो भी जो है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ OTA अपडेट वगैरह मांगता है, मतलब क्या है ये अपने आप में एक किलर, मतलब बताया गया था कि ये उसका किलर है, इसका किलर है, खुद का किलर है, ये तो खुद को खुद ही यहाँ पर आज मार दिया। जितने लोगों ने इसे परचेज किया है सारे के सारे दुखी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम इसमें निकल के आ रही हैं। अब जो है गेम वगैरह भी जो हैवी गेम्स हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या अपडेट नहीं निकल के आती है पोको फोन के लिए कंपनी की, उसके बाद शायद फिक्स हो जाए, नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर कंपनी को उठाना पड़ सकता है। मोटरोला 1 जो सीरीज़ निकल के आ रही है एंड्रॉयड 1 स्मार्टफोन की, वो जो है आईफोन F से क्लोन यहाँ पर साबित हो रहा है, मतलब सेम टू सेम उसी के जैसा यहाँ पर दिखने वाला है। अगर आपको चाहिए मोटो 1 तो आप ले सकते हैं, आपका फ्रेंड यही सोचेगा कि शायद आपके पास है एक आईफोन X का डिवाइस, तो ये बात है यहाँ पर मोटो 1 की, सेम टू सेम दिखने में सामने से वही है, कोई मतलब ऊपर नीचे कुछ सेंटीमीटर इधर उधर का भी कोई फर्क यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी जानकारी करने के बाद जो है ये निकल के आया है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स, आपको पसंद आई होंगी चैनल को कर ले सब्सक्राइब जल्दी से, कोई गलती हुई है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, कोई सवाल है कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, रिप्लाई जो आपको इंस्टेंटली यहाँ पर मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।